हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडी। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिरसा मुंडा ट्रिबल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आपको सर्च कर लेना है बिरसा मुंडा ट्रिबल यूनिवर्सिटी। सर्च कर लेंगे, सर्च करते आप देख सकते हैं आपके सामने न्यू लिंक ओपन हो चुका है। लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते आप देख सकते हैं आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो चुका है, IAS पेपर। IAS पेपर एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिससे कि आपको बिरसा मुंडा ट्रिबल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हम बिरसा मुंडा ट्रिबल यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन सोन डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न सिलेबस क्या कैसे है, वो डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पैटर्न्स क्या होने चाहिए, सिलेबस क्या होने चाहिए, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ, आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, सिलेक्ट करंट स्टेट, आप जिस भी स्टेट से वो स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, देन आपकी करंट सिटी सिलेक्ट करनी है, करंट सिटी सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट कोर्स कैटेगरी इंटरेस्टेड, आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्ट रखते हो वो कोर्स सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मेडिसिन, साइंस, लॉ, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, जो भी आप को सिलेक्ट करना हो कर लेना। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर लेना। इससे क्या होगा कि बिरसा मुंडा ट्रिबल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आपके ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट SMS कर दिए जाएंगे। सो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। अब हम यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीजिंग सोन वेरियस कोर्सेज, फॉर्म जल्दी रिलीज हो जाएगा वेरियस कोर्सेज के साथ। द बिरसा मुंडा ट्रिबल यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज BMTU। एवरी ईयर द ऑफिशियल अथॉरिटीज ऑफ बिरसा मुंडा ट्रिबल यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स एन एडमिशन प्रोसेस वेर एन दे प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटी टू द डिजर्विंग एप्लीकेंट्स टू गेट एडमिशन इन वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड इन इंस्टीट्यूट्स। द एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट बाई बिरसा मुंडा ट्रिबल यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज द बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, सो आप एक बार ज़रूर रीड कर लें। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट्स और इवेंट्स की। सबसे पहले तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता देना चाहती हूँ, इंडिया के टॉप 8 बेस्ट यूनिवर्सिटी ने फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्टेड किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं UPES, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, वैतनेट यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के टॉप 8 बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हो सो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके जाके अप्लाई ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की। यहाँ पे देख सकते हैं डेट्स एंड इवेंट्स के बारे में बताया गया है। इवेंट्स के लिए चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा इवेंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे डेट आपको कहाँ चेक करना है, कैसे करना है। आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डेट चेक कर लेना है कि कब है कैसे है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की। बिरसा मुंडा ट्रिबल यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अपडेटेड ऑनलाइन मोड, ऑफिशियल अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करती है ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन मोड से। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। आपको कैसे फिल करना है, कहाँ से करना है, आपको कैसे रजिस्टर करना है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। आपको अपना नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके जितने जो भी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करेंगे वो आपको डिटेल्स वहाँ पे फिल करना है। देन टाइम टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिशियल, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही रजिस्टर करना है। देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको कन्फर्मेशन ईमेल विच कंटेन द लॉगिन कैंडिडेट्स एप्लीकेंट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको कन्फर्मेशन ईमेल विच करके लॉगिन करना होगा। आपको आपका ईमेल लॉगिन करने के लिए आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड वहाँ पे फिल करना होगा। देन लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से लॉगिन करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। देन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट फिलिंग, बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रेजिडेंटल डिटेल्स, मैनी अदर डिटेल्स, बहुत सारे डिटेल्स मांगे जाएंगे। आपको वहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है क्या कैसे करना है। आप एक बार ज़रूर रीड कर। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी आपको फ़ी कहाँ से पे करना है, कैसे करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, देन आप फ़ी
ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, ऑफलाइन भी पे कर सकते हो। यहाँ पे नीचे मेथड्स बताए गए हैं कि आपको कैसे पे करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फी द ऑनलाइन मोड बाय द गेटवे मेथड्स। सो आप ऑनलाइन पे करना है, यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से फैसिलिटी है, पेमेंट कर सकते हो आप, एप्लीकेशन फी का फ़ी पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, नहीं तो UPI पिन कर, ऐसे आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं ये यहाँ पे पता चलेगा। एलिजिबल होने के लिए आपकी नेशनलिटी, इंडियन नेशनल एप्लीकेंट्स एलिजिबल टू अप्लाई द एडमिशन प्रोसेस। एज लिमिट यहाँ पे मेंशन किया गया है, अंडर ग्रेजुएट के लिए मस्ट बी अबव द एज ऑफ 17 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड 20 ईयर्स फॉर PG के लिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं मस्ट क्वालिफाइड एग्जाम फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड। रिलेक्शन के 5% मार्क्स ऑफ रिलेक्शन इज गिवन ऑफ द एप्लीकेंट्स हु बिलोंग द रिजर्व कैटेगरी सच एज SC and ST PWD के लिए मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 55% होगा और मिनिमम मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। सो इतना आपका होना ज़रूरी है एलिजिबल, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। फॉर अंडर ग्रेजुएट के लिए देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन HSC एग्जाम क्लियर होना चाहिए आपका। और देन PG कोर्सेज के लिए यहाँ पे कंप्लीट बैचलर डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री एट द टाइम ऑफ द एडमिशन आपका होना चाहिए। देन यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं डिस्पोल इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा है, क्या पैटर्न्स होंगे, कैसे होंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करें। रिजल्ट आपको रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है, वो सब मैं आपको बताऊँगी। रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको तो सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अथॉरिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करती है। देन आपको वहाँ पे आपका रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको आपका एप्लीकेंट नंबर, आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको वहाँ पे एंटर कर सबमिट पे क्लिक करना होगा। जो आपका रिज़ल्ट रहेगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो आप उसका आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा, नहीं तो आप उसको अपलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं। मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, रिज़ल्ट आने के बाद आपका मेरिट लिस्ट रहेगा, उसमें आपका नाम मेंशन रहेगा। सो आपको इसमें भी वही प्रोसेस है, सो आपको वैसे करना है। देन अभी आपका काउंसलिंग सेशन में क्या होगा, आपका एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका काउंसलिंग सेशन होगा। काउंसलिंग सेशन में आपने जो भी नेसेसरी डिटेल्स, अपने इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दिए रहेंगे, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जैसे कि आपके इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, आपके फैमिली डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके एजुकेशनल रिलेटेड डिटेल्स, आपके ID प्रूफ, ये सारे डिटेल्स होंगे। सो सब वैलिड होने चाहिए आपके IDs वगैरह। इतना होने के बाद देन आपको कॉलेज की तरफ से एक अलॉटमेंट सेट, ने कॉलेज अलॉटमेंट सेट करके एक लिस्ट रेफर होगा। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है सो आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया। सो ये सारे प्रोसेस है काउंसलिंग सेशन में। आप बात करेंगे मेंशन ऑफ द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड द वेरिफिकेशन, बताया था अभी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं SSC मार्कशीट, SSC पासिंग सर्टिफिकेट, HSC मार्कशीट, HSC पासिंग सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अदर क्वालिफाइंग मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर, माइग्रेट, अदर क्वालिफाइंग पासिंग सर्टिफिकेट। सो ये सारे यहाँ पे मेंशन किए गए, ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। सो अभी भी आपको डाउट है या फिर कुछ नहीं समझ में आया, सो एक बार डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सो एक बार लिंक पे जाके जरूर चेक करें। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।